हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है नई वीडियो के साथ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चने की दाल। दोस्तों चने की दाल बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और खाने में भी इसका बनाने का तरीका जो है वो भी बहुत ही जो है आसान है। तो चलिए आज चने की दाल बनाते हैं। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने 150 ग्राम चने की दाल ली है, बिल्कुल जो है फ्रेश दाल ली है हमने यहाँ पर। ये 2 टमाटर लिए हैं जिन्हें हमने छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर काट लिया है। 2 हरी मिर्ची, 1 छोटी चम्मच मिर्ची पाउडर लिया हमने यहाँ पर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 5 से 7 कलियाँ लहसुन की जिन्हें हमने बारीक पीस लिया है, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर लिया है हमने, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे, आधी बड़ी चम्मच सरसों का ऑयल लिया है। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल या जो भी कुकिंग ऑयल यूज में लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब गैस स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए गैस को हमने स्टार्ट कर लिया। आज कुकर के अंदर दाल फ्राई बनाने वाले हैं। कुकर के अंदर दाल फ्राई बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो सबसे पहले जो कुकर है वो गर्म हो चुका है, इसके अंदर अब हम डालेंगे तेल। ये देखिए तेल डाल दिया है, जो आधी कटोरी तेल था वो इसके अंदर डाल दिया हमने, और तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म करेंगे। तो फ्रेंड्स तेल गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर हम डालेंगे जीरा। देखिए जीरा डाल दिया है, जीरे को बिल्कुल अच्छे से ब्राउन होने तक पकाना है। देखिए जीरा जो है वो धीरे धीरे ब्राउन हो रहा है, इसको अच्छे से ब्राउन कर ले। अब हम इसके अंदर डालेंगे हरी मिर्च और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। हरी मिर्च फ्राई हो चुकी है, अब डालेंगे इसके अंदर टमाटर। ये देखिए टमाटर बिल्कुल मिक्स हो चुके हैं हरी मिर्ची के अंदर। अब हम इसके अंदर डालेंगे हल्दी पाउडर और हल्दी को अच्छे से मिक्स कर देंगे, क्योंकि हल्दी का पकाना भी ज़रूरी है। हल्दी नहीं पकेगी तो जो इसका स्वाद जो है वो अच्छा नहीं होगा, इसलिए हल्दी को बिल्कुल अच्छे से पका लेंगे। अब डालेंगे मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे अब, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी देखिए पानी डाल दिया ताकि मसाला जो है वो नीचे ना चिपके, इसलिए पानी डाल दिया हमने। और मसाले को बिल्कुल अच्छे से पकने देते हैं, 2 से 3 मिनट में जो है मसाला बिल्कुल अच्छे से पककर तैयार हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स मसाला बिल्कुल पक चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे दाल, दाल डाल दी है और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब इसके अंदर जो है पानी डाल देंगे, एक बार में डालना उतना, एक बार में ही डाल देंगे पानी। तो ये 1 कटोरी हमने यहाँ पर लगभग आधा लीटर पानी डाला है और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब कुकर को ऊपर से बंद करके 3 सीटी लगवाएंगे, तो 3 सीटी में जो है दाल फ्राई बनकर तैयार हो जाएगी, चना दाल फ्राई। ये देखिए फ्रेंड्स कुकर को हमने ऊपर से ढक दिया है, अब 3 सीटी लगने देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स 3 सीटी लग चुकी हैं और दाल फ्राई बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब इस दाल फ्राई को हम अलग बर्तन में निकालेंगे। ये देखिए दोस्तों अलग बर्तन में हमने दाल फ्राई को निकाल लिया है। चने की दाल बहुत ही लाजवाब रेसिपी बनी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।